बिलासपुर बस अड्डे के पास उस समय पुलिस हैरान हो गई जब एक जीप में बड़े ही सुनियोजित तरीके से सहारनपुर यूपी जा रहे चार लोगों को पकड़ा गया। पुलिस ने नजर चुराकर भाग रहे इन चार युवकों के साथ जीप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार वीरवार दोपहर करीब 2 बजे एक सब्जी ढोने वाली गाड़ी जीप मंडी से किरतपुर जा रही थी कि बिलासपुर में बस अड्डा चौक पर पुलिस ने इस जीप को जाँच के लिए रोका। अभी पुलिस चालक से पूछताछ ही कर रही थी कि साथ ही ब्यास कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल से किसी ने जीप में दुबक कर बैठे चार युवकों को देख लिया और इसकी सूचना तभी पुलिस को दे दी। पुलिस ने भी सब्जी की खाली प्लास्टिक क्रेट्स को हटाकर देखा तो जीप में चार युवक दुबके थे। बताया जा रहा है कि जीप चालक इन चार युवकों को मंडी से लेकर आया था और चारों से प्रति व्यक्ति 1200 रुपए किराया वसूला था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मंडी की तरफ से एक सब्जी की जीप आई जिसको हमने यहाँ चेकिंग के लिए रोका और उसका नंबर वगैरह नोट किया और फिर गाड़ी को चेक किया। चेक करने के बाद गाड़ी के अंदर सब्जी के क्रेटों के पीछे ये चार लोग बैठे थे। जब ड्राइवर से इनके बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि इनको मैंने सब्जी मंडी बाईपास से लेके आया हूँ जिनसे कि 1200 रुपये किराया भी लिया हुआ है। इनको हमने नीचे उतारा और इस बारे में चौकी सिटी में इंफॉर्मेशन दी आगे की कार्रवाई के लिए।